खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवीद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। दिन 2 अगस्त 2022 मेरठ पुलिस ने नकली प्रोटीन बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। अगर आप सेहत बनाने का शौक रखते हैं, जिम जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी दवाइयों की मंडी खैर नगर में ब्रांड के नाम पर नकली प्रोटीन बेचा जा रहा है। मंगलवार शाम एसएसपी मेरठ रोहित साजवान के आदेश पर एसओजी टीम और डेलीगेट पुलिस ने खैर नगर में अलग अलग जगहों पर छापा मारा। एसएसपी को पता चला था कि असली के नाम पर मेरठ में नकली प्रोटीन धड़ल्ले से बिक रहा है। एसपी क्राइम अनित कुमार के नेतृत्व में एसओजी टीम ने छापा मारकर नकली प्रोटीन बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, इसी दुकान में नकली एस्ट्रॉइड और दवाइयां भी बेची जा रही थी। एसओजी टीम ने लगभग 25 लाख की कीमत का नकली प्रोटीन और दवाएं बरामद की है। साथ ही इस दुकान पर प्रोटीन बेचने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अवैध जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनके बनाने का एक फैक्ट्री चल रही है, तो वहाँ पे छापे डाले गए। एक फूड सप्लीमेंट की दुकान है जहाँ पे ये बना के बेच रहे थे, तो यहाँ पे जो है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की जो टीम है जॉइंट, उन्होंने जो है एसओजी के साथ जो है रेड की, और रेड में जो है फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने फूड से रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्स हैं जो कि प्रोटीन है और अन्य जो चीज़ें हैं उनके सैंपल्स लिए, और मेरे द्वारा यहाँ पे एक स्टेरॉइड का सैंपल लिया गया। तो यहाँ पे एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड था जो जनरली वैसे तो डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए सभी स्टेरॉइड्स। तो जनरली ये क्या होता है, तेजी के साथ मसल्स मास को बढ़ाते हैं। मेरे द्वारा जो है एक सैंपल लिया गया, उसकी क्वालिटी के लिए जो है मैं उसको राजकीय प्रयोगशाला भेज रहा हूँ कि उसकी क्या क्वालिटी है, और जो रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्रवाई हमारी। बताया जा रहा है कि जानवरों को जो इंजेक्शन लिए जाते थे वो इंजेक्शन मिले। बेसिकली जो